मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। जस्ट चिल आउट यार, डोंट। कुछ न कुछ अजीब हो ही रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे अलावा भी कोई यहाँ है। मेरे अलावा भी यहाँ कोई है, पर वो कौन है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। रात में वो अजीब सी आवाजें आना, अपने आप डोर का बंद खुल जाना, पर क्या है? Thank you.
खाना लगा दो, मैं फिर सोने जाती हूँ। जी मैम साहब, अभी लगाता हूँ खाना। अंकल मेरा खाना हो गया, आप प्लीज से उठा लें। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था अंकल। जी पूछिए मैम साहब। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 10 साल से मैम साहब। माफ करें पर मैं कुछ नहीं जानता इस घर के बारे में मैम साहब। हम साथ में कोई नहीं, आपका झूठ बहन होगा। खुद खुद रही थी अंकल, मैंने टेबल के नीचे देखा, पता नहीं किसी ने मेरा हाथ।
अंकल यहाँ भी कोई था, मैंने अपनी आँखों से देखा, अभी कोई था यहाँ पर? हम साथ में कोई नहीं, आपका झूठ बहन होगा। शायद आपने ठीक से दरवाजा बंद नहीं किया होगा, कोई जंगली जीव या कोई जंगली जानवर पीछे जंगल से आ गया होगा। मैं देखता हूँ हम सब, आप सो जाएं। अंकल इतनी रात में जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं, जबकि अभी उन्होंने मुझे मना किया। अंकल इतनी रात में जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं, जबकि अभी उन्होंने मुझे मना किया। सुनता है तेरी सदा आरूबरू, अब तो जरा बेचैन सी मेरी जिंदगी सुनकर तेरी ये दास्तां।
लाइट कैसे चली गई अंकल? गाने गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन गाना गा रहा है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन गाने की आवाज है? कैसे लेट आ रहा है? कुछ हो हाय एली, मैं राज तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। जब तुम ये लेटर पढ़ रही होगी तो मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। एली, मैं और रोहन तुम्हारी कंपनी में बराबर की पार्टनरशिप में मिलकर काम कर रहे थे। कंपनी भी काफ़ी सक्सेस की ऊंचाइयां छू रही थी, काफ़ी शेयर मार्केट में बढ़े और कई बड़े बड़े बिजनेसमैन इस कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे थे। इस बीच मैं और रोहन एक दिन कंपनी की सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज की। उस दिन रोहन ने काफ़ी ड्रिंक किया, मुझे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, रोहन बोला, देखो भाई, तुम कब तक ऐसे ही एली के नौकर बने रहेंगे? क्यों ना हम इस कंपनी को अपने नाम कर दें? मैंने उसे सब मना कर दिया और उससे कहा कि मेरे दिमाग में ये बात आ भी कैसे सकती है। मैं इस बात को लेकर हम दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ और हाथापाई में रोहन रूप में रखी टेबल पर उसका सिर टकरा गया
दिन या रात हो, मुझे महसूस होने लगा कोई है, कोई है। रोहन की आत्मा मुझसे बदला लेना चाहती थी और उस दिन अमर की रात थी। उस रात को मैं काफ़ी कभी नहीं भूल सकता। मैं अपनी डायरी लिख रहा था उसी जगह जहां रोहन ने अपनी जान गवाई थी। उसी टेबल पर मुझे अजीब सी आवाज़ें आने, नहीं रहूंगा एली। रोहन की आत्मा का अंत उस टेबल पर रखी डायरी का वो पेज है जिस पर रोहन कुछ याद आया ये गाना सुन के। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें खुद पर काबू नहीं पाने दूंगी, मैं तुम्हें खुद पर काबू नहीं पाने दूंगी। तुमने मेरे दोस्त को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरे दोस्त को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
ये कहानी खत्म हो गई एली के साथ। तुमने मेरे दोस्त को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। ये कहानी खत्म हो गई एली की जान लेकर।